जिसमें कि मैं स्किप वाला आपको फंक्शन बताऊंगा कि किस तरह से हम स्ट्रिंग जो इंडेक्सिंग वैल्यू है या एक स्ट्रिंग है उसमें किसी भी इंडेक्स के जो कैरेक्टर्स हैं जो उसकी वैल्यू वहां पे होने वाली है उसको स्किप कर सकते हैं। उसके लिए बेसिक मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ना इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, और यहाँ पे मैं दिया हूँ इंडेक्सिंग रिजल्ट आपका है 1 4। यहाँ पे एक और स्टार्ट होगा, ये स्टार्टिंग हुआ, ये एंड हुआ, एंड को मैं थोड़ा बढ़ा के 14 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे यूज करूंगा एक पर्टिकुलर वैल्यू, जिसका बेसिक मतलब क्या होगा कि वो उतने उस पार्ट के उस पॉइंट के वैल्यू को स्किप करेगा। जैसे कि अगर मैं देता हूँ 2, ठीक है, या 1 देता हूँ। चलो एक और इसे रन करके देखता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सेल में आया पाइथन sdt.py और इंटरप्रेस किया। यहाँ पे क्या आपको आ गया देखने के लिए, LECTRONICSGL बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले क्या हुआ कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना था, 1 से करना था, ठीक है। तो 0 आपका स्किप हो गया, स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1 से, यानी L से स्टार्ट हुआ। और जाना कहाँ तक है आपको, लेके 14 तक। 14 क्या है आपका, यहाँ से देख लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए, स्पेस 11 12 13 14, यानी ओ तक, ठीक है। यहाँ से लेके आपकी बस इतनी वैल्यू ही आपकी है जो कंसीडर होगी, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, 1 से स्टार्ट किया, 14 तक जाना है, ठीक है। यानी 1 से लेके 14 यानी 13 तक बेसिक जाना है, ठीक है। यानी आपकी 13 ये वाली आपकी हो गई, ठीक है। क्योंकि ये हो गई आपकी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14 तक जाना है। मैंने बताया था कि ये 14 1 से काउंट होगा तो 14 जाएगा, अगर मैं 0 से काउंट करूंगा तो 13 तक ही जाएंगे, टोटल काउंट मेरा 14 होगा, ठीक है। तो L से जब मैं स्टार्ट किया तो L मेरा हो गया स्टार्टिंग, और एंड कहाँ पे हुआ, L पे हुआ। तो इसमें आप देखो कि स्टार्ट आपका कहाँ से हुआ, L से स्टार्ट हुआ, और एंड कहाँ हुआ आपका, L पे हुआ। यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ इस L से और इस L पे जाके एंड हुआ। ये 1 क्या बता रहा है, ये कौन से वैल्यू को आपको स्किप करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हो क्या रहा है, मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी क्या किया, L से लेके इस वैल्यू तक ये प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं ये बोलूँ आपको कि मैंने यहाँ पे अभी 1 किया था बेसिक, ठीक है, वो कर रहा था L से स्टार्ट किया, मतलब क्या है, देखो जब आपका ये 1 है, 1 कौन सा वैल्यू है आपका, आपका 0 से स्टार्ट होगा आपका, तो 0 से स्टार्ट होगा तो 0 के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट 1 आएगा। यानी L से आपने स्टार्ट किया है, स्किप क्या करना था इसे, 1, तो 1 क्या है, E, बट E को इसने स्किप नहीं किया, E को क्या किया, प्रिंट किया, क्योंकि जो वैल्यू आपकी यहाँ पे होगी ये उस इंडेक्स के वैल्यू को प्रिंट करके देगा। चलो आप नहीं समझते हो तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से 10 ले लेता हूँ अभी, ठीक है। आप अभी समझ जाओगे, जस्ट आप एक से दो मिनट वेट करो। यहाँ पे मैं करता हूँ 2, अब एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से एक बार रन करता हूँ, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे आ गया क्या, LCRNC, मतलब क्या हुआ, देखो 1 से आपने स्टार्ट किया, 1 पे क्या था आपका, L था, ठीक है, L यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट आपने क्या किया, 0 1 2 2 2 क्या होना चाहिए था यहाँ पे बेसिक, तो देखो 0 1 2 आप कहाँ से स्टार्ट किए, L से स्टार्ट किए, तो L क्या आप बन गया, 0 बन गया, तो काउंट यहीं से स्टार्ट होगा, तो L हो गया 0, E हो गया 1, और C क्या हो गया आपका, 2, यानी 2, यानी ऑल्टरनेट अगर करना है तो आपको 1 नहीं 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो प्रिंट हुआ C, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, सी प्रिंट हुआ, देखो यहाँ पे सी आ गया, उसके बाद टी छूटा, आर हुआ, आर क्या है आपका, आर प्रिंट हुआ, ओ को स्किप किया, एन को प्रिंट किया, तो इस तरह से आप देख सकते हो प्रिंट हुआ। अगर मैं ये बोलूँ ये 3 अगर मैं लूंगा तो क्या होगा, तो क्या प्रिंट होने वाला है, तो ई एल से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे मैं एक बार लिखता हूँ अगर, तो यहाँ से क्या अच्छा देखो एल से स्टार्ट होगा, एल के बाद 3 मैंने लिखा, तो अब ये कितना स्किप करेगा वैल्यू, ये 2 को स्किप करेगा, यानी ई और सी को स्किप करके क्या लेके आएगा, 10 टी लेके आएगा। अब टी के बाद फिर ये 2 स्किप करेगा, यानी आर और ओ को स्किप करेगा, तो क्या आएगा, एन आएगा, उसके बाद एन का 2 स्किप करेगा, यानी आई और सी को स्किप करेगा, क्या आएगा, एस आएगा, ये आने वाला। रन करके एक बार देखता हूँ, देखो एल टी एन आ गया, एल टी एन आया, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते कहाँ पर मैंने मिस्टेक किया है, एल टी एन एस मैंने जो लिखा, एल से स्टार्ट हुआ, 2 को स्किप किया, यानी ई और सी को स्किप किया, तो आया टी, टी के बाद क्या हुआ, ये आर
ओ को स्किप किया, आया एन आपका, ठीक है, एन आया, और उसके बाद इसने क्या कि आई और सी को स्किप किया और एस आना चाहिए था, बस एस नहीं आया, यानी क्यों ये नहीं आया, एक और इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करो, जीरो से टेन जाना है, यानी दस है टोटल, टेन काउंट करना है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। हाँ देखो क्यों नहीं ये आया एस, क्योंकि जीरो से जब काउंट होगा तो आपको वो टेन के लिए कहाँ तक जाना है, आपको टेन के लिए जीरो टू नाइन जाना है, और नाइन आपका सी पे खत्म हो जा रहा है तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर मैं इसे इलेवन पे कर दूं तो इलेवन पे कर दूंगा तो क्या होगा, अब एक बार देखो आप, जब मैं इलेवन पे करके इसे रन किया, अब देखो ऐसा आ गया एल एन टी एस, है ना, तो एल एन टी एस आगे 11 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ तक आपको 11 टोटल 0 टू 10 लेंथ की है वैल्यू, ठीक है, यहाँ से क्या आपको टोटल 0 टू 10 है, इसलिए एल एन टी एस आया। इस तरह से क्या कर सकते हो आप, ऑल्टरनेट वाले भी काम करा सकते हो, ऑल्टरनेट वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हो, और आप इसे 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो 2 से स्टार्ट करोगे तो क्या होना चाहिए, तो 2 से जब आप स्टार्ट करोगे तो बेसिक अब देखो क्या होगा, 0 1 2 अब कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ये ई से स्टार्ट होगा, 11 तक जाएगा बेसिक, 11 मतलब एस तक जाएगा, 3 अब 2 स्किप करेगा, 3 लिखा हूँ मैं मतलब 2 स्किप करेगा वैल्यू, क्योंकि 0 से स्टार्ट, तो 0 1 यहाँ से ले रहा हूँ तो एल ई आ गया मेरा, ई के बाद ये 2 स्किप करेगा, यानी यहाँ से सी और टी को स्किप करके आर आ जाएगा, आर के बाद फिर 2 स्किप करेगा आ जाएगा आई, ठीक है, और आई के बाद अब आगे कुछ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब आई आ गया तो 2 स्किप करेगा, यानी सी और एस स्किप करेगा तो नेक्स्ट आएगा, तो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने 11 तक डिफाइन कर रखा है, और आगे अगर मैं 12 तक यहाँ पे करूँगा तो फिर ये स्पेस काउंट होगा। एक बार इसे रन करके देखता हूँ, देखो ERI आ गया आपका, अगर मैं यहाँ पे 12 कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे 12 कर दूं तो अब यहाँ पे क्या आएगा, एक स्पेस आएगा जो कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, स्पेस, अभी को रन करता हूँ क्या आता है, ये देखो ERI आ गया, यहाँ पे एक स्पेस भी आ गया, तो स्पेस यहाँ पे बेसिक आपको नहीं शो करेगा, स्पेस की जगह चलो मैं एक अंडर स्कोर यहाँ पे देता हूँ, अब देखता हूँ क्या आता है, अब तो अब आपको क्या आएगा, ये अंडर स्कोर प्रिंट होके आएगा, देखो ये अंडर स्कोर प्रिंट होके आ गया, क्योंकि स्पेस की जगह मैंने अंडर स्कोर को यूज़ कर लिया। तो इस तरह से पाइथन में हमने आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीख लिया है, तो आशा करूँगा आपको बहुत ही पसंद आएगा। आज की वीडियो में यहीं पर मैं वीडियो को रोकूंगा, और वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है जहाँ तक मुझे पता है, तो अगली वीडियो में हम डिस्कशन करने वाला हूँ अबाउट द लिस्ट के बारे में, कि लिस्ट को कैसे यूज़ करते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आशा करूँगा ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा स्ट्रिंग का पूरा। तो चलो मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी much।